फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर सुभाष घई साहब का कहना है कि वो कलाकार घबराए हुए कलाकार होते हैं जो अपने साथ 20-20 लोगों को लेके घूमते हैं, बॉडीगार्ड, डिजाइनर, पानी पिलाने वाला स्पॉट बॉय, ड्राइवर, चमचे, वो कलाकार डरे हुए कलाकार। सुभाष घई साहब ने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि आजकल के जो कलाकार हैं उसमें से ज्यादातर लोग पैसे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कला पे कम। उन्होंने किस्सा भी सुनाया, कहा कि कुछ दिन पहले एक फिल्म हिट हुई तो उसकी जो कलाकार थे वो लोग मुझे मिले, तो मैंने कहा कि भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, आपकी फिल्म भी अच्छी जा रही है। तो उन कलाकारों ने कहा कि हाँ सर, इतने इतने का बिजनेस कर चुकी है, इतने करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और इतने करोड़ का करने वाली है और पिक्चर बहुत कमा रही है। तो सुभाष घई साहब को आश्चर्य कि मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ और सामने वाला कलाकार पैसों की बात कर रहा है, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ और वो कलेक्शन की बात कर रहा है। और ऐसा आजकल बहुत हो रहा है दोस्तों। पहले हमारी इंडस्ट्री में कला ऊपर थी और पैसा नीचे था। कई कलाकार, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कलाकार बिना पैसे की बात किए काम करने को रेडी हो जाते थे अगर वो फिल्म अच्छी बन रही है तो। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है। आजकल लोग पहले पैसे की बात करते हैं और कहानी की और डायरेक्टर की और फिल्म की बाद में बात करते हैं। पैसे पे जम जाए तो उनको कहानी भी अच्छी लगती है, डायरेक्टर भी अच्छा लगता है। अगर पैसे पे ना जमे तो कहानी में बुराई निकाल के कर देते हैं। ज्यादातर कलाकारों का यही हाल है। यानी कि वाकई में अब पैसा ऊपर हो गया है और कला नीचे हो गई है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।